हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनश और आप देख रहे हैं हम सबको यूट्यूब चैनल ज़ैपटेक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे चैनल का जो गूगल एडसेंस का जो पिन वेरिफिकेशन होता है वो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और दोस्तों सारी डिटेल्स और दोस्तों कितना टाइम लगा इसे दोस्तों मेरे पास आने में, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा देखते रहना शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी बकवास करते हैं आज की शुरुआत। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये दोस्तों ये जो गूगल एडसेंस का पिन वेरिफिकेशन है दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए आपको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको क्या होती है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो दोस्तों मोनेटाइज होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर दोस्तों आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो यहाँ पर दोस्तों इनेबल होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपका एक एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपके एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाने चाहिए। दोस्तों जैसे ही आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर $10 हो जाते हैं, उसके बाद दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पर दोस्तों आपके पास यूट्यूब की तरफ से एक ऑप्शन मिल जाता है एडसेंस की तरफ से कि आपको दोस्तों अपना एड्रेस जो है वो वेरीफाई कराना होता है। अब दोस्तों एड्रेस कैसे वेरीफाई होता है, वो दोस्तों होता है इस पिन के थ्रू। दोस्तों यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर एड्रेस जो अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर डाला है, उस एड्रेस पर आपको दोस्तों एक ये पिन दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जब आप इसको ओपन करते हो, जैसे ही आपको ये मिलता है दोस्तों, यहाँ पर एक कोड होता है दोस्तों कुछ इस तरीके का, वो कोड दोस्तों आपको अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में फिल करना होता है। उसके बाद दोस्तों जो आपका एड्रेस होता है वो यहाँ पर एडसेंस के थ्रू वेरीफाई हो जाता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि दोस्तों मेरा यहाँ पर दोस्तों ये कितने दिनों के अंदर मुझे मिल गया, और दोस्तों अगर आपने भी अप्लाई कराया तो आपको कितने दिनों के अंदर ये मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों आप एक विलेज में रहते हो, यानी कि दोस्तों एक गांव में रहते हो, तो आपको लगभग 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं इसको दोस्तों आने में। दोस्तों मैं यहाँ पर एक सिटी में रहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर दोस्तों 15 दिन लग गए थे। दोस्तों मैंने 17 तारीख को यहाँ पर 17 नवंबर जो है उसको दोस्तों यहाँ पर अप्लाई किया था, और दोस्तों ये जो है मुझे मिला था 2 दिसंबर को, यानी कि दोस्तों कल यहाँ पर ये दोस्तों मुझको मिल गया था डाक के थ्रू। दोस्तों ये दोस्तों जो होगा आपके डाक का थ्रू आएगा। और अगर दोस्तों अगर आपका अभी तक ये दोस्तों नहीं आया है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको दोस्तों ये एडसेंस वेरिफिकेशन का पिन जो होता है इसको अप्लाई करने के सिर्फ आपको 3 बार मौके मिलते हैं। दोस्तों अगर आप 3 बार में इसको अप्लाई नहीं कर पाते हो, उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों आप क्या कीजिए, यहाँ पर दोस्तों जब आप इसको जो अप्लाई करें तो वहाँ पर एड्रेस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि आपका एड्रेस जो पड़ा हुआ है इसके अंदर वो दोस्तों एकदम करेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल करें वहाँ पर नीचे आप एक कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना दे दें, ताकि दोस्तों जो भी डाकिया इसको लेकर आए वो दोस्तों आपके फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके आपको बुला सके, ताकि उसके बाद दोस्तों ईजिली जो है आपको ये मिल सके। वरना आपको अगर दोस्तों एड्रेस गलत डालोगे और फिर अगर 3 बार से ज़्यादा आपने इसे अप्लाई कर दिया और फिर भी नहीं हुआ, तो दोस्तों आपका गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो डिसेबल हो सकता है। तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों मेरे को ये 15 दिन में मिल गया, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर सिटी में रहता हूँ, अगर दोस्तों आप विलेज में रहते हो तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जैसे ही यहाँ पर जो इसके अंदर जो हमें पिन मिलता है, इस वेरिफिकेशन कोड, उसको जैसे ही आप अपने अकाउंट के अंदर फिल कर देते हो, आपका एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हाउ टू गेट पेड, यानी कि दोस्तों वहाँ पर दोस्तों क्या करना होता है, आपको अपने बैंक की सारी डिटेल्स डालनी होती है। जिसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपका जो बैंक का जो सारी डिटेल्स होती है वो वहाँ पर एडसेंस के पास वेरीफाई होती है। फिर उसके बाद दोस्तों आप इजीली अपने पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों आपको इसके रिलेटेड, गूगल एडसेंस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर फेस करनी पड़ रही है, यानी कि दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, दोस्तों आपने इसको अप्लाई किया है उसके बाद कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं दोस्तों उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को यार एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए फिर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मिलते हैं वीडियो।